Hi guys, I am Rahul and today I am going to discuss the chapter Madam Rice, the bus from class 10 first flight. Guys, I am going to discuss the summary in short because it's a very long chapter, a little bit. And I am also going to discuss some important type of question answer which are going to be asked in the exam. Okay. तो गाइस आई वांट टू टेल यू दैट यहाँ पे जो चैप्टर शुरुआत होता है एक 8 साल की लड़की होती है या वन गर्ल इज देयर ऑफ 8 years old एंड हर नेम इज वलिया माई बट सी इज पॉपुलर विद द नेम ऑफ वॉली या वलिया माई जो पॉपुलर होती है अपने वॉली के नाम से लोग उसे वॉली वॉली करके बुलाते हैं और उसके मन में एक बहुत ही तीव्र इच्छा होती है कि नहीं सी विल राइड द बस दैट विश टू राइड द बस. वो क्या होता है कि धीरे धीरे बढ़ते जाता है एंड देन सी थॉट दैट कि वो चीजों को बैठ करके जस्ट बाय कमिंग एंड स्टैंडिंग एट द फ्रंट ऑफ द डोर एंड यू नो द वे ऑफ दैट रोड दैट जस्ट इट पासिस थ्रू द हाउस ऑफ वाली सो इट वॉज इजी फॉर हर. ये उसके लिए आसान था कि वो खड़े होकर के और सारी चीजों को देखती थी और प्लान करती थी बिकॉज उसके दिल में कहीं ना कहीं एक उसके एक ये इच्छा थी, ये डिजायर था, ये विश था कि वन डे सी विल ट्रैवल इन द बस, सी विल राइड इन द बस. तो वो धीरे धीरे क्या करती है कि बस के बारे में नॉलेज कलेक्ट करती है क्योंकि अब उसको जो बस राइड करने के लिए क्या होता है क्योंकि उसकी जो उम्र होती है वो 8 साल ही होती है और वो कभी चढ़ी बस पे गई नहीं होती है, ट्रैवल नहीं करी होती है. तो दैट्स व्हाई सी वांट्स टू गेट द नॉलेज अबाउट द बस. यहाँ पे वो क्या करती है कि बस के बारे में जो लोग ट्रैवल कर चुके हैं उनको बात करते सुनती है. सी जस्ट लिसन दैट द पीपल जस्ट टॉकिंग अबाउट द बस दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर देयर, व्हाट इज द फेयर एंड जो उसका फेयर है बस का और कैसे जाया जाता है, कहां से क्या करना है. तो ऑल दिस थिंग्स सी लिसन देयर एंड सी वॉन्टेड टू कलेक्ट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बस राइडिंग एंड सी लर्नड अबाउट स्मॉल डिटेल्स ऑफ द जर्नी एंड सी नाउ न्यू दैट द टाउन वॉज 6 miles अवे फ्रॉम हर हाउस फ्रॉम द विलेज एंड द फेयर जो था वो वहां से उसके गांव से लेकर के टाउन तक का वो कितना था, वन वे का था 30 पैसे. तो फॉर बोथ वे सी हैड टू कलेक्ट हाउ मेनी देयर 60 पैसे फॉर बोथ वे. तो और सी ऑल्सो गॉट द इंफॉर्मेशन दैट it will take 45 minutes yeah to go to town from my house. तो ये सारी चीजें gather करने के बाद, collect करने के बाद all the information, then she started to plan on the matter and she planned before starting the ride so much. उसके बाद जो होता है कि क्या होता है कि वाली अब एक दिन अपना प्लान बना करके जो होता है वो स्प्रिंग डे होता है या अब वो उस दिन आफ्टरनून में दैट सी हैड प्लान्ड दैट नो ड्यूरिंग द आफ्टरनून, इट इज आफ्टरनून टाइम, उसका जो टाइम होता है वो उसके लिए बेस्ट होता है बिकॉज जो उसकी मदर होती है वो उस समय नैप लेती है. नैप मतलब शॉर्ट स्लीप आफ्टर टेकिंग द व्हाट यू कॉल दैट लंच लेने के बाद थोड़ा सा आराम करना. तो इट वॉज द बेस्ट टाइम टू गो टू टाउन. तो वो क्या करती है, बाहर निकलती है एंड देन यू नो सी वेंट इन द बस और कंडक्टर जो था वो थोड़ा जॉली पर्सन था, फाउंड ऑफ जोकिंग. तो यू नो की सी वेंट इन द बस एंड पहले तो यू नो की वेन जब वो जाती है तो बस कंडक्टर उसको बोलता है, हाथ देता है, तो जो वो बोलती है कि नहीं, I am not just a little child. I can come myself inside the bus. फिर वहां से शुरू होता है और कंडक्टर बोलता है, yes, you are madam. आप मैडम हैं, आप आ सकती हैं अंदर. वहां से फिर वाली अंदर जाती है और कंडक्टर बोलता है, मैडम आप जाकर के सीट पे बैठिए. तो वाली को थोड़ा सा इसमें इंसल्ट क्या होता है वो फील करती है. उसके बाद वाली जो होती है वो अंदर की और बाहर की चीजों को बहुत ही करीबी से बहुत ही यू नो की
डिजायर तरीके से देखती है और वो बस के अंदर देखती है कि वो कंफर्टेबल और सॉफ्ट सीट्स आर इनसाइड देयर बस एंड देन द यू नो कि ब्यूटीफुल क्लॉक इज देयर अबव द विंड स्क्रीन एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर एंड देन सी ऑल्सो वॉच देयर द गोइंग ऑफ द बस अलोंग द बैंक ऑफ कैनल जो कैनल होता है उसके किनारे किनारे बस का जाना and she also observed the greenery of the trees and all these things outside through the window of the bus. Guys, आगे जो है story वो इस chapter में ये है कि एक अचानक से elderly person आता है और वाली को बोलता है कि stand up child, yeah. तो वाली इस पे भड़क जाती है और उसको गुस्सा आता है और replied कि कंडक्टर बोलता है अरे आप क्या बोल रहे हैं सी इज नॉट अ चाइल्ड सी इज अ मैडम एंड सी हैज पेड ऑल दैट 30 पैसे या लाइक अदर्स सो आफ्टर दैट कंडक्टर वाज ह्यूमरस कंडक्टर इस पे थोड़ा सा फन क्रिएट करता है बाय टेलिंग दैट एंड ही टोल्ड द एल्डरली पर्सन दैट वाली वाज अ ग्रोन अप मैडम सी इज नॉट अ चाइल्ड या आप क्या उनको बच्चे बोल रहे हैं कि बच्चे खड़े हो जाओ सी इज नॉट अ just child, she is grown up madam. और इस पर क्या होता है कि ऐसे करके and there was making of fun by the conductor. उसके बाद जो conductor है वो वॉली को एडवाइस देता है conductor told वॉली to sit comfortably on the seat. She should not stand on the seat because there is something maybe the zigzag of the bus and there may be falling of the वॉली. So that's why he advised him to sit on the seat. What is allotted to her. उसके बाद वाली और फिर एक elderly woman आती है अगले stop पे बस आगे वहां से चलती है और फिर एक stop पे रुकती है. There is the entry of an elderly woman. तो elderly woman जो होती है she came there in the bus and you know कि she told to वाली that it was not the proper for her to travel alone to Wally. और Wally वो बात सुनकर के एकदम गुस्सा हो जाती है और भड़क जाती है और जब वो उसकी तरफ देखती है तो she could find that woman was just chewing the what you call that pan yeah and the saliva of the pan it was there on the you find ki on the chin of that woman and other things are there the very big type of you know ki earrings she was just wearing there in the earlobes of ear so by watching her Wally was really hated her and she did not like her you know and again she Wally kya karti hai ki she turned the face towards the window wo window ki taraf hi dekhne lagti hai uske taraf dhyan nahi deti hai aur yahan pe kya hota hai ki जो चीजें हैं वाली जो है वो प्लान कैसे की होती है तो वाली जो है यहाँ पे प्लान करती है कि उसने 60 पैसा सेव किया होता है बस जर्नी के लिए एंड द वे सी हैड सैक्रिफाइस्ड देयर सी डिड नॉट गो टू फेयर सी डिड नॉट गो टू टाउन या एंड सी डिड नॉट इवन परचेज एनी बैलून एनी टॉय फॉर हर एंड दैट्स व्हाई सी सेव्ड 60 पैसे फॉर हर एंड इट वॉज ओनली टू फुलफिल हर डिजायर टू ट्रैवल टू टाउन गाइस इसी दौरान जो बस है वो टाउन की तरफ जा रही होती है एंड यू नो कि द बस वाज जस्ट रोड अक्रॉस अ बेयर लैंड स्केप तक पहुंचती है एंड कभी कभी क्या होता है कि उधर से व्हीकल आ रहे होते हैं तो बस उनको साइड देती है ये सब चीजों को देख करके वाली बहुत ही खुश होती है and it was the first time of the travel that she was really getting a lot of interest to watch outside of the bus and after that guys jo hota hai wo kya hota hai ki ek achanak se there is the sudden coming of a cow before the bus aur isko dekh kar ke wali bahut hi दूसरे तरीके से रिएक्ट करती है बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टाइम उसको बहुत ही मजा आता है बस ब्लोज द हॉर्न बट दैट काउ अगेन एंड अगेन इट कम्स फ्रंट ऑफ द बस और वो हटती नहीं है वहां से तो वाली लाफ्ड एंड लाफ्ड बाय वाचिंग दैट सीन वाली उसे देख करके बहुत हंसती है और कंडक्टर उसको बताता है कि
अरे इट वॉज ऑल्सो द फन ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर फिर से मजे लेता है ये कह करके, अरे मैडम रहने दीजिए कल के लिए भी कुछ हंसी बचा के रखो, आज ही सारे खत्म करोगे क्या। तो ऐसे पे उसके बाद फिर से जो बस है वो धीरे धीरे क्या होती है, रेलवे क्रॉसिंग पे एक जगह रुकती है और यू नो की वाली देर सी कुड वॉच द स्पेक्स ऑफ द बॉगी ऑफ द ट्रेन दैट केम बाय मेकिंग a very huge type of sound on the railway track. Yeah, after that bus kahan, that bus reached to the city and bus passed by the side of the railway crossing and there you know ki there was the crowd of the people in the city and after reaching at the bus stop there all the people there got down from the bus but Wally she didn't, she was just sitting in the bus. The conductor unko bola ki are अब बस स्टॉप आ गया, आप शहर आ गया, आप बाहर जाकर के आप बस से उतरिए। लेकिन वाली कहती कि नहीं, आई हैव नो एनी वर्क एंड आई विल नॉट गो टू सिटी, ये तो मेरा बस शहर घूमने का एक आइडिया था इसलिए मैं आई थी, और उस पर वो करके और फिर बोली कि मैं यहाँ से अब सीधा रिटर्न हो जाऊंगी। कंडक्टर हालांकि उसको ऑफर करता है कि बाहर जाकर के वो कोल्ड ड्रिंक्स लेकर के आता है, लेकिन वाली उसको क्या करती है, डिनाई कर देती है। उसके बाद आधे एक घंटे के बाद बस अगेन स्टार्टेड फ्रॉम द सिटी फॉर द यू नो विलेज, और फिर वाली आती है लेकिन अगेन यू नो दैट काउ विच वाज गिविंग अ लॉट ऑफ दैट वाज एंटरटेनिंग हर दैट गेव हर अ लॉट ऑफ लाफर, वही काउ दैट वाज लाइंग ऑन द मिडिल साइड ऑफ द रोड एंड इट वाज डेड, और उसमें कोई मूवमेंट नहीं था। और कंडक्टर से वो पूछी कि ये क्यों यहाँ पे ऐसे, नो एनी मूवमेंट नथिंग इज देयर, तो कंडक्टर बोला कि शायद किसी बस ने या कोई व्हीकल ने उसको क्या बोलते हैं कोलाइड कर लिया होगा और वो देयर इज एक्सीडेंट एंड मे बी द डेथ ऑफ द काउज देयर। वाली इसमें बहुत ही ज्यादा सी बिकेम सो नर्वस और वो क्या हो जाती है, सैड हो जाती है, और वहां से बस वो काउ के बारे में सोचते रहती है। उसके बाद सडनली कंडक्टर से दैट नाउ इट इज योर विलेज एंड वो जाती है और वहां से बस से उतरती है। कंडक्टर उसको बोलता है इफ सी वांटेड टू विजिट अगेन, इफ यू वांटेड टू ट्रैवल टू टाउन देन सी कुड कम देयर इन द बस। तो उसके बाद वो घर, अब द प्रॉब्लम इज दैट कि अब तो इट वाज ओके एवरीथिंग, देन सी वेंट इन द हाउस देयर वन टॉकेटिव आंट नियर ऑफ द नेबर, या that she was just talking to her mother, she went inside and the aunt she was a little bit sad also and she was anyhow passed away, yeah. उसके बाद लेकिन suddenly aunt was so she was a chatterbox और वो पूछ लेती है कि कहाँ गए थे और क्या हुआ, तो वो जैसे तैसे reply करके और वहां से निकल लेती है and anyhow वो सेफ रहती है, उसको कोई कुछ नहीं बोलता है एंड दैट्स व्हाई वाली कंप्लीटेड द जर्नी ऑफ द टाउन एंड सी आल्सो फुलफिल्ड द विश ऑफ हर हार्ट। अब वन टू क्वेश्चन आई वांट टू डिस्कस गाइस रिलेटेड टू चैप्टर दैट फर्स्ट क्वेश्चन वी कैन से व्हाट इज द एज ऑफ वाली, तो वी कैन से द एज ऑफ वाली इज 8 इयर्स ओल्ड and how did she plan to go to or to ride in the bus, yeah, we can say she planned to ride in the bus by listening different type of people who had already traveled in the bus and she also listened and also planned for the fare and for the time and all these things. Okay, so thank you, I will upload another chapter for you. If you are not subscribed to the channel to get the latest update of the videos, subscribe it.